दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में इससे पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको उतरू जो ब्रीजा खड़ी है उसके बारे में बताया था तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जिनका बजट काफी कम है देखो यहाँ पे अगर हम कम बजट की बात करें तो आज के में तो देखो ऑल्टो भी अब काफी महंगी हो गई है अब भले मैं एट इन की बात करता हूँ या फिर केटन की बात करूँ जो भी रिसेंटली आई है दोनों ही गाड़ियाँ काफी महंगी लेकिन एट इंड को लोग लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्यों क्योंकि ये गाड़ी काफी महंगी है अगर आप इसका टॉप मॉडल आते हो तो ये आपको साढ़े छह लाख रुपए का पड़ता है और एक्सेरीज लगा दी फिर ऑटोमेटिक में चलेगा फिर तो ये और महंगी चली जाती है तो लोग इसको लेना पसंद नहीं कर रहे कह रहे हैं उससे अच्छा था

ये गाड़ी इससे काफ़ी आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें आपको अच्छी कैबिन स्पेस मिल जाती है हाइट इस कार की काफ़ी ज़्यादा है हज़ार सीसी का इंजन आता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा और माइलेज भी काफ़ी बढ़िया है तो मतलब देखा है सेम वही प्राइस में आपको ये गाड़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है हाँ लुक्स उतने बेटर नहीं है लोगों को इसका जो लुक है उतना पसंद नहीं आ पाता बहुत ही बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन लगता है लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा है तो एक केटन से काफ़ी अच्छी है अब कहने को तो लोग कहते हैं कि यार हम वैगनार भी ले सकते हैं तो देखो लेकिन आज की डेट में क्या है लोग वैगनार को भी कह रहे हैं कि वो थोड़ी महंगी हो चुकी है क्योंकि अगर आप उसका भी वी एक्साइज मॉडल ऐसे कुछ लेते तो वो भी आपको सात लाख साढ़े लाख रुपए के बीच में पड़ता है और लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है आप बस छः साढ़े तक की मैक्स स आउट कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से यह आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है केटन से अच्छा है एट हंड्रेड से अच्छा इसको ले लो क्योंकि देखो डिटेल नहीं बताऊंगा क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं क्या हिसाब है ऐसे नहीं बताऊंगा सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये जो मॉडल है ये आपको वी एक्सआई मॉडल पर जाता है और ये देखा जाए तो केटन से भी थोड़ा सस्ता है मतलब ये गाड़ी आपको ऑन द रोड लगभग लगभग छह लाख तीस हजार रुपए के पड़ते हैं मतलब बीस हजार रुपये इस गाड़ी से सस्ती पड़ रही है ये कार और देखा था तो बीस हजार रुपये में आप काफी सारी एक्सेसरीज भी लगा सकते हो भले कंपनी से लगाओ बाहर से लगाओ लुक को भी और अपग्रेड कर सकते हो और जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है मतलब इससे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां पे मिल जाता है बड़ा टायर का साइज आपको मिल जाएगा यहां पे चौदह इंच का यहां पे आपको स्टील मिलता तो आपको भी मिलता है वहीं अगर केटन की बात करूं तो इसमें आपको तेरह इंच का व्हील मिलता है एक प्रोफाइलिंग बड़ी है अब एक प्रोफाइलिंग बड़ी होने से काफी फायदा होता है क्योंकि इससे आपको जो कंफर्ट है ज्यादा अच्छा मिल जाए गड्ढों में गाड़ी ज्यादा आराम से निकल जाती है बाकी देखो हाइट का डिफरेंस देखो ये गाड़ी की जो हाइट है इससे थोड़ी सी ऊंची है तो मतलब हेडरूम स्पेस इस कार में आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है बाकी केबिन जो स्पेस है वो इस कार में आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है पीछे की सीट का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पीछे के सीट का ही जो कंफर्ट है वो ज्यादा नोटिस करा जाता है अगर आप पीछे बैठते हो यहाँ पे तो अभी सीट मैंने एडजस्ट नहीं कर रखी है आपको पहले बता देता हूँ ये सीट पहले से भगवान जी ने फिक्स हो रखी है लेकिन देख रहे हो पीछे अच्छा खासा लगर उस पे है तो यहाँ पे डेफिनेटली यह तो मैं इतना कह सकता हूँ कि चार लोग तो इस गाड़ी में बहुत आराम से बैठ जाओगे हाँ अगर बीच में जो बंदा बैठेगा उसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा देखो इतनी चौड़ी गाड़ी तो है नहीं कि पांच लोग यहाँ पे आराम से बैठ जाएं ले लेकिन चार अच्छा लोग बहुत आराम से पहले हेल्थी क्यों ना हो आराम से बैठ जाओगे दिक्कत आपको नहीं आएगी बीच में जो बैठेगा उसको थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा और अगर लुक की बात करते हैं इंटीरियर की तो इसका लुक यार डेफिनेटली केटन से तो ज्यादा ही अच्छा है भले आपको कहो वैसे तो बेकार ही है लेकिन केटन के मुकाबले कंपेयर करो तो उससे तो ज्यादा ही अच्छा आपको मिल जाता है फ्रेंड्स की जो बैठ के ही दिखाया था आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है मतलब कमाल यार देख रहे हो मेरी जो सीट है पहले से एडजस्ट हो रखी है मतलब मैं बैठा मैंने एडजस्ट नहीं करी सीट पहले से ऐसी ही हो रखी है सच में मैं कह रहा हूँ तो देखा है पीछे कंफर्ट दे डेफिनेटली आपको जो मैं दिखा रहा था ना वैसा ही मिलेगा आपको अच्छा मिल जाएगा बाकी देखो सारे फीचर्स तो वही है मतलब जो आप उस गाड़ी में दे रहे हो उससे अच्छा तो इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिल जा रहे हैं मतलब ए आपको वही मिल जा रहा है वही ट्वेल रोड का चार्जिंग सॉकेट है पावर विंडो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपको यू ऑक्स दोनों का पोर्ट मिल जा रहा है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी सेम वैसा ही आपको स्पीडो मिल रहा है और सेम वैसा ही ग्लव बॉक्स है सेम वही सेफ्टी फ़ीचर्स आपको मिलते हैं जैसे दो एयर बैग्स ए बी एस बी डी ब्रेक ऐसे जितने वो जो बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे आपको नीचे से ऊपर के मॉडल में मिलते हैं सेम वही फ़ीचर्स तो मिल जा रहे हैं वैसे ही आपको वैनिटीज मिरर तो यहाँ पे कोई दे ही नहीं रखा है सब कुछ वैसा ये कोई डिफरेंस ही नहीं है तो मेरे हिसाब से इस कार को लेना ज्यादा फायदे का सौदा बनता है आपके लिए क्योंकि यार बीस हजार रुपये महंगी वो गाड़ी है उससे अच्छा ये है उससे ज्यादा अच्छा कंफर्ट है हेडरूम स्पेस नोट बहुत अच्छा है और सीट का कंफर्ट ही मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसका क्योंकि इसमें आप ज्यादा कम्फर्टेबल होकर बैठ सकते हो इसमें कम्फर्ट ज्यादा अच्छा मिल रहा है फाइव स्पीड का वही गेयर बॉक्स है सब कुछ तो वही है और यही नहीं अगर मैं इसकी बूट है और जो इंजन है वो दिखाऊँ आपको एक बार मैं तो जो डिग्गी का साइज है ये भी आपको यहाँ पे बेहतर मिल जाएगा काफी सारा जो स्टफ है यहाँ पे आप इजिली कैरी कर सकते हो मीडियम साइज के जो लगेज है वो भी यहाँ पे बहुत ईजिली कैरी हो जाते हैं और यहाँ पे जो इंजन मिलता है वो भी काफ़ी रिफाइन है हज़ार सीसी का इंजन है ऑल्टो से ज़्यादा पावर दे देता है ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल के देगा दे और काफ़ी रिफाइंड है मतलब इससे आप हाईवेज़ में चला रहे हो फिर सिटीज़ के अंदर चला रहे हो अच्छा खासा माइलेज ये इंजन आपको निकाल के देता है बाकी देखो वही मारती की गाड़ी है तो यहाँ पे जो स्पेयर पास है सर्विसिंग कॉस्ट है वो आपको ज्यादा नहीं पड़ती है देखो इस वीडियो का तात्पर्य यही था कि अगर मेरे ख्याल से अगर आप ऑल्टो ले रहे हो तो मेरे ख्याल से ऑल्टो केटन लेने से अच्छा इस कार को ले सकते हो ज्यादा कंफर्टेबल है इजिली इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक और नई गाड़ी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम